मैं यहाँ पर और एक कोशिश हुई है, ज़कात सेंटर ऑफ इंडिया बीदर में शुरू हुआ था, उसके जिम्मेदार हैं मोहम्मद निजामुद्दीन साहब, वो भी मुख्तसरन बिल्कुल इब्तदाई है, वो भी मरहला है, एक साल नहीं गुजरा अभी उसका शुरू हुए, वो भी जिक्र करेंगे, फिर बाद में प्रोग्राम के तहत और भी सिलसिला चलेगा, तमाम एनजीओ को मौका मिलेगा। ये यकीनन अहम तरीन सेशन हैं हमारे, एक एक एनजीओ के तजुर्बात, 10 साल 20 साल 50 साल के तजुर्बात, फिक्रात का जो है असर हमको देखने में आएगा इंशाल्लाह, इससे हम बहुत सीखेंगे इंशाल्लाह। निजामुद्दीन साहब से गुजारिश। अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। मोहतरम डॉक्टर अब्दुल खदीर साहब स्टेज पर तशरीफ़ फरमा, मौजूद स्पीकर्स और मोहतरम सामईन, इस 2022 में ऑल इंडिया लेवल पर ज़कात सेंटर इंडिया कायम किया गया, पहली मर्तबा मुल्क में 10 ब्रांचेस जो है कायम किए गए, उसमें बीदर में एक ब्रांच जो है काम कर रहा है। हमारी तफसीलात इंफॉर्मेशन का एक काउंटर भी यहां पर खुला हुआ है। मकामी तौर पर एक सदर, एक सेक्रेटरी, फिर 15 लोगों की एडवाइजरी कमेटी है, 5 लोग जो है मैनेजिंग कमेटी में होते हैं। हमारा प्रोसीजर यह है कि रमजान में और फिर बाकी दिनों में ज़कात कलेक्शन करते हैं। पहली मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह 17 लाख रुपए जो है हमारे बीदर में कलेक्शन हुआ है एक छोटे मकाम पर। हमने 3 तरह से, यानी 4 तरह से इसको हम एक्सपेंडिचर करते हैं। हमारा लार्जर शेयर जो है तकरीबन 45% ऑफ द टोटल ज़कात कलेक्टेड हम इनकम जनरेटिंग के लिए जो खर्च करते हैं। हम ढूंढते हैं कि किसके पास हुनर है, स्किल है, एजुकेटेड है, लेकिन उसके लिए कुछ काम नहीं है, तो हम उनको ढूंढ कर, सर्वे कर उसको हम मदद करते हैं। फिर दूसरा है एजुकेशन, स्किल्ड और एजुकेशन के बच्चों के लिए हम स्कॉलरशिप देते हैं। हर बच्चे को 25,000 20,000 हम सिलेक्शन करते हैं, और हमारा जो एरिया है ये टेक्निकल एजुकेशन के लिए हम स्कॉलरशिप देते हैं। मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, यहाँ पे बीदर में फार्मेसी कॉलेजेस है, बीएससी नर्सिंग कॉलेज है, बीएड है। तो इस तरह से हमने तकरीबन 40 स्टूडेंट्स को 20,000 25,000 हमने स्कॉलरशिप भी जो है दिया है। और तीसरा जो सेक्शन है मवासात है, इसके लिए हम लोग जो है 20% जो है रखे हैं, 20% ऑफ द टोटल बजट, यानी जो गरीब है, मोहताज है, और जो बेवाएं हैं और फिर यतीम है, उसको हम सर्वे कर उसके लिए महाना जो है 1,000 रुपये हम जो है मदद करते हैं। अगर छोटे बच्चे हैं तो 500 रुपये, बड़े हैं तो 1,000 रुपये हर महीना जो है हम उनको अदा करते हैं। फिर 14 जो है एक्सीडेंटल, यानी एक्सीडेंटल एड है, यानी कभी जरूरत होने पर कोई मुसाफिर है या और कोई जो है कर्जदार है और कोई परेशान हाल है, मेडिकल के जो है जरूरी है, तो उस वक्त जो है हम उनको मदद करते हैं। हमारा जो है ये ऑनलाइन जो है ट्रांजेक्शन है, ज्यादा से ज्यादा जो हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं। जो भी हम पेमेंट करते हैं चेक थ्रो करते हैं, कोई कैश जो है हम नहीं करते। तो इस तरह से जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है। दुआ करिए कि जो है ये और भी जो है आगे हम जो है और काम कर सके। वाकफ दावा अल्हम्दुलिल्लाह।